पृथिव्यां त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम सुभाषतम मूढ़ पाखंड खंडेशु रत्न संज्ञाम विधेयते। धरती पर यदि जिंदा रहना तो हमें शुद्ध जलवायु अन्न फल यही चाहिए जीवन जीने के लिए, और आज दुनिया में इन्हीं सब चीज़ों की बड़ा अभाव होता जा रहा है। पशु यदि हमारे पास थोड़ा सा ठीक ठाक अपना, हम आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है, तो हमारे पशुओं ने हमको पाला है, तो ऐसे संकट के दौरान ये वृक्ष और पशुधन निश्चित हमको मदद करते हैं, और इन्हीं ने हम लोगों को बचाया है। अभी मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से परास्नातक किया है संस्कृत ग्रामर से, तो मेरे बहुत साथी देश भर में मेरे सहपाठी तो मुझसे स्नेह रखते ही, तो जब उनको ये सूचना मिली कि मैंने तस्करों से कुछ गाय छुड़ाई हैं, फिर मेरा एरिया के सूखा से प्रभावित है, मैं मेरे गांव में रह रहा हूँ, वो लोग भी यहाँ आए, मुझसे मिले, उनका यहाँ आना हुआ, उन्हें देखा, तो उनके भी दिल में इसके सहयोग की कुछ भावना आई, तो उन सबके सहयोग से कुछ गाँव के इन सब साथियों के सौजन्य से अभी हम इसको घसीट रहे हैं, बिना पहिए की गाड़ी घसीट रहे हैं। जितना खाता है उससे 10 गुनी कीमत का ये गोबर देता है, ऑलरेडी मृत्यु की आखिरी सांस तक देता है। गौमूत्र इसका इतना औषधि है कि दूध तो इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है, मूत्र इसका इतना औषधि है कि बहुत 10 गुना दूध से कीमती गौमूत्र देती है। हमने बहुत सारा, हजारों लीटर गौमूत्र कलेक्ट किया रखा है, ड्रम भरे रखे हैं, तो हम रोज़ उठते हैं सुबह, रोज़ गौमूत्र कलेक्ट करते हैं। अभी हमारे पास वो यूनिट नहीं है कि हम इसको प्रोसेस करके, कुछ हमने किया था प्राइमरी लेवल पे, तो हमने कुछ दवाइयाँ बनाई, 12-14 तरह के अर्क बनाए हैं, तो इस तरह से गाय हमको दूध से ज़्यादा अपने गोबर गौमूत्र से लाभ दे रही है। दूसरा, हमने इसके गोबर का खाद बनाया है, जीवामृत, घन जीवामृत, उसको हमने अपने खेतों में डाला, खेत का स्वास्थ्य, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा किया, इस तरह से हमने स्वास्थ्य से जोड़ करके उसका मूल्यांकन जब किया, तो गाय हमारे लिए अपने जीवन काल में लाखों 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 रुपए देने वाली सिद्ध हुई है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ किसानों को कि भैया ये गाय नहीं, वरदान है धरती पर। भले ही इसको ज़्यादा पोषाहार नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास एक जो फॉरेस्ट का जंगल है, उस फॉरेस्ट लैंड में जाके करदई का जंगल है, उसकी पत्तियाँ वगैरह, कुछ और भी वनस्पतियाँ, तो थोड़ा जंगल घूम आती है गाय, थोड़ा घूम फिर के आ जाती है, या बहती हुई नदी है दशान, उसका पानी पी लेती है। थोड़ा हमने भी 200-500 क्विंटल भूसा कलेक्ट किया था, लोगों के सहयोग से कुछ खरीदा था, है ना, तो कुछ हमको लोगों, किसानों ने भी दिया था 10-5 ट्रॉली, तो उसको लेकर के हम अभी तक उनको किसी तरह से जीवित रखे हुए हैं। डॉक्टर भी हमारे यहाँ बीच बीच में आते रहते हैं, वेटनरी डॉक्टर यहाँ पोस्टेड हैं। जिनके पास जमीन थोड़ा कम है, पशुधन रहा है, अब वो जमीन में कुछ हुआ नहीं, अब सिर्फ उन पशुओं में दूध हमेशा तो देते नहीं बेचारे, वो छुटा भी जाते हैं, तो वो कुछ 50-100 लोग हमको सौंप के गए हैं लगातार, अभी जब से लेके अब तक 50 किसानों का पशुधन हमारे पास है। 4-5 साल हो गए जब से जुड़े, वहाँ से एक बार महाराज जी वहीं पे, हम आश्रम में थे, कुटिया है छोटी, हनुमान जी का मंदिर है, तो महाराज जी वहाँ से निकले 300-400 गाय साथ में लेके, तो हम लोग वहाँ थे, तो महाराज जी बोले हमारे साथ में सहयोग करो, तो फिर ऐसे तब से जुड़ गए।
उठाता हूँ और सुबह से सफाई वफाई जैसे महाराज जी के साथ जो कुछ भी होता है यहाँ गायों के लिए, जैसे चारा, बाकी कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो कुछ भी काम वो कर लेते हैं वो निकल जाते हैं, फिर बाकी का काम जो कुछ है हम लोग करते हैं साथ साथ। तो मैं मेरे गांव की संस्कृति को समझता हूं, बहुत मुझे पसंद है गांव में रहना, गांव के साथ विकास जो ये है, साथ साथ जीना रहना खाना ये बहुत अच्छा हमको लगता है, इसलिए मैं तब से यहाँ रह करके गाय के लिए काम कर रहा हूँ। इस एरिया में करीब 26,000 गाय तस्कर कसाईयों से छुड़ाई हैं, किसानों को बांटी हैं, कुछ गौशालाओं को सौंपी हैं और अभी लगातार उसी काम में मैं अवेयर करने के लिए लगा हूँ, किसान को मोबिलाइज कर रहा हूँ, जाता हूँ स्कूलों में, बच्चों को भी मिलता हूँ और लगातार ये मिशन चल रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि लैपटॉप प्रोजेक्टर लेकर के मैं शाम को बड़ी बड़ी सभाएं करूंगा एक एक गांव में जाकर के, करीब एक घंटे लगभग किसानों का, सभी ग्रामवासियों का लूंगा और उनको ये समझा पाऊंगा कि ये नेचर से आपका क्या संबंध है, इस पूरे व्यवस्था में आपका इन पशुओं से क्या संबंध है, इनके अस्तित्व से ही आपका अस्तित्व है, ये मैं उनको तमाम पिक्चर के माध्यम से या और भी जो तैयारी की गई है नुक्कड़ नाटक या जो तैयार किए गए हैं उनके माध्यम से उनको समझा पाएं, दिखा पाएं पर्दे पर कि देखो भाई ये इस तरह से है, ताकि उनको हम सहजता से सरलता से प्रस्तुति दिखा पाएंगे तो उनकी समझ में आ पाएगा ग्रामीण लोगों की। हम जहां अपने गांव में रह करके इतनी सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारियों को लेकर के यदि हम पूरी ऊर्जा से लगे हैं तो हमें लगता है यदि लोग खड़े हो जाएंगे तो समाधान गाँव में किसान के पास है, जीने का ठीक से समाधान है।